बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बताना है एसीएफ एंड एलसीएम का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एसीएफ एंड एलसीएम का। सबसे पहले इन टू नंबर्स के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 680 के। यहाँ पे राइट करेंगे 2, 3 द 6, 4 द 8, 0, 1 द 2, 1 कैरी दे देंगे, 7 द 14, 0, 8 द 16, 1 कैरी दे देंगे, 5 द 10, 1 द 5, 3 कैरी दे देंगे, 7 द 35, 17 वन द 17। यहाँ पे राइट करेंगे 2, 2 द 4, 1 कैरी दे देंगे, 9 द 18, 2 द 4, 1 द 2, 4 द 8, 1 कैरी दे देंगे, 6 द 12, 7 द 14, 3 द 6, 73 वन द 73। अब यहाँ पे फैक्टर राइट करेंगे 680 के, 584 के। 680 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 584 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 73। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 2। यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। नॉन कॉमन फैक्टर हैं 5, 17, 73। यहाँ पे राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73। 2 टू द 4, 4 टू द 8 मल्टीप्लाई 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 85। 73 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आई है 85। उसके बाद यहाँ पे 73 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 6205। यहाँ पे राइट करेंगे 6205, 6205 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आई है 49640। यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम है 49640, ये एलसीएम है। यहाँ पे राइट करेंगे एसीएफ, एसीएफ है कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 द 4, 4 टू द 8, ये एसीएफ है। यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एसीएफ इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एसीएफ इज इक्वल, एलसीएम ये फाइंड आउट किया 49640 मल्टीप्लाई एसीएफ है 8। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 49640 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 49640 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आई है 397120। यहाँ पे राइट करेंगे 397120। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 680 को मल्टीप्लाई करेंगे 584 के साथ, 680 को मल्टीप्लाई करें 584 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 397120। यहाँ पे राइट करेंगे 397120। अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे सो एलसीएम मल्टीप्लाई एसीएफ इज इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर
या हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे राइट करेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे ये रिलेशन बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एलसीएम इज 1260। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 72, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ टू नंबर्स का बताया हुआ है 36, एलसीएम बताया हुआ है 1260, फर्स्ट नंबर गिवन है 72, सेकंड नंबर यानी कि अदर नंबर फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एलसीएम इज 1260, इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर। अब यहाँ पे सोल्यूशन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बताया हुआ है 36, यहाँ पे राइट करेंगे 36। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, अब यहाँ पे एलसीएम बताया हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है 1260। फर्स्ट नंबर गिवन है वन ऑफ द नंबर, जो वन ऑफ द नंबर है ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट नंबर 72। फाइंड द अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल, ये हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो डैट ए सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ए सी एफ यहाँ पे गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे ए सी एफ है 36 मल्टीप्लाई एल सी एम है 1260, फर्स्ट नंबर है 72 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 36 मल्टीप्लाई 1260 डिवाइड करेंगे 72 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड नंबर थर्टी सिक्स, वन द 36, 36 टू द 72, टू वन द 2, टू सिक्स द 12, टू थ्री द 6, यहाँ पे राइट करेंगे 0। रिमेनिंग वैल्यू इज 630 इज इक्वल सेकेंड नंबर। यहाँ पे राइट करेंगे सेकेंड नंबर इज 630, सेकेंड नंबर इज इक्वल 630, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर एलसीएम इज 1440, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 240, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ टू नंबर्स का गिवन है 48, एलसीएम गिवन है 1440, फर्स्ट नंबर गिवन है 240, अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर यहां पे फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर एलसीएम इज 1440, इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ बताया हुआ है टू नंबर्स का 48, एलसीएम बताया हुआ है टू नंबर्स का 1440, फर्स्ट नंबर गिवन है 240, सेकंड नंबर यहां पे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ है 48, यहां पे राइट करेंगे 48, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम है 1440, फर्स्ट नंबर गिवन है 240, सेकंड नंबर फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो डैट ए सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे एच सी एफ है 48, वैल्यू पुट करेंगे 48 मल्टीप्लाई एल सी एम है 1440 इज इक्वल फर्स्ट नंबर है 240 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 48 मल्टीप्लाई 1440 डिवाइड करेंगे 240 के साथ इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड नंबर।
जीरो को जीरो के साथ ऑफ करेंगे, 24 वन द 24, 24 टू द 48। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड नंबर, टू फोर द एट, टू वन द टू, 288, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड नंबर, सो सेकंड नंबर इज 288। सेकंड नंबर इज इक्वल 288, इट इज आंसर।